खुल गया शोएब अख्तर का राज, 18 साल तक छुपाया चौंकाने वाला राज, पूर्व क्रिकेटर बनने वाले थे गैंगस्टर, क्रिकेट छोड़ गैंगस्टर बनने वाले थे शोएब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के चाहने वाले पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर काफी कुछ हासिल किया। आज भी उनकी रफ्तार के लोग दीवाने हैं। तो वहीं शोएब की बात करें तो बाकी क्रिकेटर्स की तरह शोएब अख्तर भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। शोएब ने बताया कि 18 साल पहले वो गैंगस्टर बनने वाले थे। एक बार तो उन्होंने भी सोचा था कि वो क्रिकेट छोड़ गैंगस्टर बन जाए। चौंकिए मत, आपको पूरा मामला बताते हैं। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट की क्राइम ड्रामा फिल्म गैंगस्टर के लिए साल 2005 के लिए लीड रोल ऑफर हुआ था। अख्तर ने अपनी बायोपिक के टाइटल का भी इस दौरान खुलासा किया। शोएब की बायोपिक का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस रेसिंग अगेंस्ट द ऑड्स रखा गया है। हालांकि अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। पिछले महीने अख्तर ने असहमति और संविदात्मक उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक ट्विटर के माध्यम से इस फिल्म से अलग होने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये फिल्म बनेगी या नहीं इसको लेकर कई सारे सवाल हैं। पीसीबी का चेयरमैन बनना चाहते हैं अख्तर। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। पाकिस्तान टीम की इंग्लैंड के हाथों घरेलू टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद रमेश राजा की बोर्ड प्रमुख के रूप से छुट्टी हो गई थी। उनकी जगह नजम सेठी फिर से पीसीबी के चेयरमैन बने। हालांकि अब पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी चेयरमैन बनने की फिराक में हैं। उन्होंने अपनी दिली ख्वाहिश के बारे में खुलकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन बनकर पाकिस्तान में सुपरस्टार क्रिकेटर्स की लाइन लगा देंगे। मैं पीसीबी चेयरमैन बनना चाहता हूं और पाकिस्तान के लिए सुपरस्टार तैयार करना चाहता हूं। मैं अपने देश के लिए 50 सुपरस्टार बनाना चाहता हूं। इसके बाद सुपरस्टार की गिनती बढ़ेगी, जिसे 100, 200 और 2000 तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत एहसानमंद हूं और पाकिस्तान की सेवा करना मेरी ख्वाहिश है। कप्तान बाबर आजम और धाकड़ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। हालांकि अख्तर का मानना है कि फिलहाल पाकिस्तान में कोई सुपरस्टार क्रिकेटर नहीं है। पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर के बारे में जब शोएब से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी कोई सुपरस्टार नहीं है क्योंकि वो कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। अगर कोई क्रिकेटर कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता तो वो मैदान पर प्रदर्शन कैसे कर पाएगा। शोएब अख्तर के शानदार इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 163 वनडे, 14 टी20 और 46 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जिसमें उन्होंने 178 टेस्ट विकेट, 247 ओडीआई विकेट और 21 टी20 विकेट लिए। वो 100 मील प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं।